गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ। कौन सा पाठ? तीसरा पाठ। दो पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, अब आज हम इसका पढ़ने जा रहे हैं तीसरा पाठ, जिसका नाम क्या है? मीठे बोल। कौन सा पाठ है हमारा? मीठे बोल। मीठे बोल यानी मधुर वचन, जो हम मुँह से बोलते हैं उनको कहते हैं बच्चों बोल। हम जो मुँह से शब्द बोलते हैं ना, उनको कहते हैं बोल। तो इस पाठ में यही बताया है, इस पाठ में ये एक बच्चों नाटक है, ये एक नाटक है जिसके पात्र हैं आपने। वैसे तो ये नाटक, जैसे इसका नाम है, मैं इसके पहले पाठ का थोड़ा इसके पात्रों का वर्णन कर दूँ, फिर आपको अच्छे से बताऊँगी। इसके पात्र हैं बादशाह अकबर, बीरबल, नागरिक। कौन कौन है इसके? अकबर बादशाह, मतलब बादशाह अकबर, जिनकी कहानियाँ आपने खूब सुनी होंगी। अकबर बीरबल की कहानियाँ कार्टून नेटवर्क पे भी आपने देखी होंगी। अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ आती हैं जो बच्चे देखते हैं कार्टून नेटवर्क चैनल पे, देखते हो ना आप? बहुत ही, क्योंकि अकबर जो, अकबर और बीरबल और नागरिक, इसमें ये पात्र हैं कहानी इसके नाटक के। और मंच सज्जा यानी जो हमारा स्टेज है, मंच सज्जा कहते हैं स्टेज जो बनाया गया है, उस पर कौन बैठा है? अकबर का दरबार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चों? अकबर का दरबार, जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ है। आपने ये चित्र देख रहे हो ना, ये पिक्चर दिखाई हुई है। इस चित्र में क्या दिखाया है? अकबर का दरबार लगा हुआ है। यहाँ पे बीरबल खड़े हैं और पीछे नागरिक खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक सिपाही खड़ा हुआ है साइड में, यहाँ पे नागरिक खड़े हुए हैं। नागरिक कहते हैं जो नगर में रहने वाले लोग होते हैं, और ये उनके, और यहाँ पे पीछे एक सिपाही है, और ये बीरबल खड़े हुए हैं, और ये कौन बैठे हुए हैं? अकबर बादशाह। तो ये एक मंच सजाया हुआ है पूरा, ये पूरा मंच सजा हुआ, मंच कहते हैं जो स्टेज सजा हुआ होता है नाटक के लिए। ये एक नाटक है जिसके पात्र कौन कौन है? अकबर बादशाह, बीरबल और नागरिक। और पाठ का हमारा नाम है मीठे बोल। ये हमारी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ है जो आपको इसमें दिख रहा है, तीसरा पाठ है। तो हम इस पाठ के बारे में मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जैसे कि पाठ में दिखाया हुआ है बच्चों अकबर बीरबल को बातें करते हुए, इन दोनों को आपस में दिखाया है ना, आप फोटो में देख रहे हैं। तो आपने ऐसे तो बहुत सारी बुद्धिमानी भरी अकबर बीरबल की कहानियाँ बच्चों पढ़ी होंगी। आपने बहुत सारी ऐसी अकबर बीरबल की कहानियाँ पढ़ी हैं, जो अकबर बीरबल की बहुत सारे किस्से हैं। क्योंकि बीरबल जो थे बच्चों बहुत बुद्धिमान थे, और वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। कौन थे बीरबल? अकबर के नवरत्नों में से एक थे बीरबल। अकबर के दरबार के नौ रत्न थे, जिनमें से एक कौन थे? बीरबल थे। वो उनके सलाहकार भी थे, क्योंकि बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन इसीलिए उनके जो मन, वो हर बात की सलाह अकबर किससे लिया करते थे? अकबर बादशाह बीरबल से। जब उनसे कोई भी किस्सा या कोई भी बात उनसे उनसे सुलझ नहीं पाती थी दरबार में, और वो बहुत परेशान हो जाते थे अकबर, तो वो किससे पूछा करते थे, सलाह लिया करते थे? बीरबल से। क्योंकि बीरबल पे उन्हें विश्वास था कि बीरबल हंसाते भी बहुत थे, और हंसी हंसी में ही वो बहुत सारे किस्सों को ऐसे ही सॉल्व कर दिया करते थे। यानी बहुत सारे किस्सों का हल ऐसे ही, बहुत सारी परेशानियों का हल आसानी से निकाल लेते थे वो, किससे? अपनी बुद्धिमानी से। तो इसमें बीरबल की बुद्धिमानी के ऊपर ही ये कथा है, जिसका नाम है मीठे बोल। क्या है इस कथा का नाम? मीठे बोल। तो ये एक नाटक है जिसके लिए मंच सजा हुआ है, और बादशाह अकबर बैठे हुए हैं, वो बीरबल से बात कर रहे हैं, और नागरिक खड़े हुए हैं या एक सिपाही खड़ा हुआ है। तो नाटक क्या है, देखो हम पढ़ के पहली बार मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। सबसे पहले दृश्य में क्या हो रहा है, जो पहला सीन है, दृश्य यानी पहला सीन जो हो रहा है नाटक का, वो क्या हो रहा है? पहला दृश्य, अकबर, कौन बोला सबसे पहले? अकबर। बीरबल, नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि जो व्यक्ति मुझे ऐसी चीज ला कर देगा जो दुनिया में सबसे बुरी भी हो और सबसे अच्छी भी हो, उसे नौ लखा हार इनाम में दिया जाएगा। क्या कहते हैं अकबर? के बीरबल, नगर में ढिंडोरा पिटवा दो। ढिंडोरा कहते हैं मुनादी पीटना। आपने देखा होगा ढोल लेके पीटते हुए नगर में किसी भी बात की मुनादी पीटी जाती थी, यानी घोषणा कर दी जाती थी। तो बीरबल से कहते हैं अकबर के, अकबर बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि जो व्यक्ति, यानी जो भी आदमी मुझे ऐसी चीज लाकर देगा, वो आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लाकर देगा जो दुनिया में सबसे अच्छी भी हो और सबसे बुरी भी हो, ऐसी चीज। अब सोचो आप कितने दिमाग की बात
कि एक वो चीज चाहिए थी बीर अकबर को कि जो दुनिया में सबसे अच्छी हो और सबसे बुरी भी हो, उसे इनाम में क्या देंगे अकबर बादशाह? उसे इनाम में अकबर बादशाह देंगे एक 9 लक्खा हार। उसे 9 लक्खा हार इनाम में दिया जाएगा। 9 लक्खा यानी 9 लाख का हार। 9 लक्खा मतलब 9 लाख रुपए का हार इनाम में दिया जाएगा। ये घोषणा की जा रही है दरबार में। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। जो मंच सजा हुआ है उसमें अकबर का दरबार लगा हुआ है। उस दरबार में वो घोषणा की जा रही है। क्या घोषणा कर रहे हैं अकबर? वो घोषणा कर रहे हैं, वो बीरबल से कह रहे हैं, बीरबल मुझे एक ऐसी चीज चाहिए कि जो सबसे अच्छी भी हो और सबसे बुरी भी हो। कोई भी लाके दे, वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, जो भी मुझे वो चीज लाके देगा मैं उसे 9 लक्खा हार इनाम में दूंगा। उसको इनाम में क्या दिया जाएगा? 9 लक्खा हार यानी 9 लाख का हार। अब किसकी बारी आती है? बीरबल की। अब बीरबल की बारी। जब नाटक हो रहा होता है बच्चों, तो सब अपना अपना पात्र, सब अभी अपना अपना अभिनय कर रहे होते हैं। तो पहले अकबर बोले, अब कौन बोल रहे हैं? बीरबल। अब बीरबल आए, जी जहां पना, ये आदर कर, आदर सूचक शब्द है ना, जहां पना बोलते हैं उधर वो बादशाह को, तो बादशाह हैं अकबर, तो बीरबल जी कहते हैं, जी जहां पना नेपथ्य से डुगडुगी, यानी फिर से डुगडुगी बजी है, ढिंडोरे की आवाज, ढिंडोरे की यानी ढोल जो बजता है उसको, ढोल को जोर जोर से जब पीटते हैं उसको ढिंडोरा पीटना कहते हैं। किसी बात का सब जगह अनाउंस कर देना, सब जगह बता देना, ढोल पीट पीट के आसपास के गांव में सब जगह मुनादी कर दी जाती थी, यानी ढोल पिटवा दिया जाता था, उसको कहते हैं। तो ढिंडोरे की आवाज सुनाई दी, सुनो 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 नगर के वासियों, नगर में रहने वाले नगर के वासियों, यानी नगर के वासियों, नगर जन, बादशाह अकबर ने यह ऐलान किया है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज जो सबसे बुरी भी हो और अच्छी भी, जो उसे लाएगा उसे 9 लक्खा हार इनाम में दिया जाएगा। ढिंडोरा पीटते हुए, ढिंडोरा पिटवा रहे हैं बीरबल ने, ना उससे कह दिया जो ढिंडोरा पीटता है उसको बोला, और वो ढिंडोरा पीटते हुए बोल रहा है, नगरजनों को सुना रहा है कि सुनो सुनो, सबको बोल रहा है वो जोर जोर से ढोल पीट पीट के, ये सब नगरवासी सुनो, नगरवासी जो नगर में रहते थे लोग, यानी उनको कहा जा रहा है जोर जोर से कि जो अकबर बादशाह ने ये ऐलान किया है, जो हमारे बादशाह हैं अकबर, उन्होंने ऐसा कहा है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज जो सबसे अच्छी भी है और सबसे बुरी भी है, मुझे लाके देगा, मतलब जो उन्हें लाके देगा उसे 9 लक्खा यानी 9 लाख वाला हार इनाम में दिया जाएगा। ये अकबर बादशाह का ऐलान है। ऐलान खत्म होते ही लोग कुछ ना कुछ लेकर लाइनों में खड़े हो गए। अब लालच तो सभी के अंदर आ जाता है, जैसे सबने सुना कि अकबर बादशाह तो कोई कुछ उठा लाया, कोई कुछ उठा लाया, ये किसी ने समझने की कोशिश नहीं की कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो दुनिया में सबसे अच्छी भी है और दुनिया में सबसे बुरी भी है, ऐसा सोचने की कोशिश किसी ने नहीं की। पर उन्होंने क्या किया, कुछ भी उठा के सब लेके आ गए। तो एक लाइन बन गई पूरी बहुत लंबी, जिसमें सबके हाथ में कुछ ना कुछ था, कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया, तो सब लोग इकट्ठे हो गए। अब आगे क्या होता है, आगे की स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। देखो आगे, फिर ये देखो पिक्चर, पिक्चर दिख रही है आपको अच्छे से, उसमें देखो आगे, बीरबल, कौन? बीरबल, यह लीजिए महाराज। लाइन लग गई है बहुत सारे लोगों की, और कोई कुछ लिए हुए खड़ा हुआ है। तो वो कह रहे हैं, ये देखो अभी मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, दिख रहा है ना आपको अच्छे से बच्चों? देखो कौन? बीरबल। कौन बोल रहे हैं? बीरबल। यह लीजिए महाराज, अच्छी और बुरी चीजें आने लगी हैं, यह खून है। अब एक आदमी क्या लेके आ गया? खून। क्या लेके आ गया बच्चों? एक आदमी खून लेके आ गया। तो यह क्या है? खून है। क्या है ये? खून। देखो इसमें दिया हुआ है, एक आदमी क्या लेके आ गया है? खून लेके आ गया है। अब ये खून तो कोई लाने की चीज नहीं थी, लेकिन एक आदमी क्या ले आया? खून लेके आ गया। देखो मैं आपको अच्छे से पहले दिखाती हूँ, आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से चैप्टर, तभी होगा।
देखो बीरबल बोल रहे हैं, यह लीजिए महाराज, अच्छी और बुरी चीजें आने लगी हैं। यह खून है, यह तरबूज है, यह विष्टा है, यह गधा है। कोई गधा ले आया, कोई तलवार ले आया, कोई खून यानी ब्लड लेके आ गया, कोई पगड़ी, यह पगड़ी है, ये जूते हैं, यह डंडा है, यह पैसा है। कोई पैसा लाया, कोई पगड़ी लाया, कोई डंडा लाया, कोई जूते लाया, कोई तरबूज ही उठा लाया और कोई गधा ले आया, गधा उठा के ले आया कि ये दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ भी और सबसे बुरी भी है। अब आप समझो ये कुछ भी ऐसा सामान था जो सबसे अच्छा सबसे बुरा हो सकता था, लेकिन लाइन लग गई थी लोगों की, क्योंकि सभी को लालच था किस चीज़ का। नौलखा हार मिलने वाला था इनाम में, तो लालच क्या था? देखो आप देख रहे हो ना, दरबार लगा हुआ है अकबर का, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ, यहाँ गधा है, तरबूज है, पगड़ी है, कटोरा है एक, मतलब कोई कुछ मतलब बहुत सारा सामान सब ले आए, पैसा ले आया, कोई धन है ना, कुछ ना कुछ सब उठा लाए, गधा तलवार, अब सब राजा को भेंट करने ले आए कि शायद इनमें से कोई चीज़ राजा को लगे कि सबसे अच्छी भी और सबसे बुरी भी, तो राजा उनको इनाम दे दें। तो देखो अब इसमें क्या दिखाया है, पर बादशाह अकबर इन चीज़ों को देखकर संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगा, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ इन चीज़ों से। तब बीरबल एक जिव्या ले लाकर अकबर के सामने रख देते हैं। अब बस यहीं तक आज हम पढ़ते हैं इस पाठ को, आगे का पाठ मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। बस इतना सब सामान लाके बीरबल जो हैं वो अकबर बादशाह के सामने ये सब लाके रख देते हैं, और उसके बाद क्या लाते हैं बीरबल, एक जिव्या यानी जीभ नहीं होती इंसान की, जीभ होती ना हमारे मुँह में टंग, उसको लाके वो किसके सामने रख देते हैं, अकबर बादशाह के सामने। आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे, आज हम इतनी ही कहानी पढ़ेंगे, बाकी की कहानी मैं आपको कल कंप्लीट यानी कल पूरी करूँगी। तो आप आज की कहानी जितनी मैंने आज पढ़ाई है बच्चों अच्छे से समझना भी और पढ़ना भी, तो आगे की कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आज की कहानी हम इतनी ही ख़त्म करते हैं, उसको अच्छे से रीडिंग करना, बाकी कहानी लेके मैं कल फिर से आगे की पुस्तक पढ़ाऊँगी आपको, कहानी कंप्लीट करेंगे हम पूरी। ओके बच्चों, बाय बच्चों।